राम राम भाई मेरे सारे किसान बहन भाइया ने, फील्ड मार्शल कृषि यंत्र यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शक साथियों ने राम राम भाई। आज हम पहुँचे हाँ मथुरा जिला और ये गांव है भाई, मैंने तो पता नहीं लेकिन पूछेंगे। और ये छोटा बच्चा है प्रलव कौंटल। तो कौंटल साहब कौन सा गांव है ये? सर लालपुर है। पहले तो सभी के लिए मेरा राम राम, नमस्कार आपके लिए भी। बिल्कुल भाई, अपने सारे किसान बहन भाइया ने राम राम। और ये गांव कौन सा बताया आपने? लालपुर। लालपुर, लालपुर सोन। इसका तहसील कौन सा है? तहसील गोवर्धन है। गोवर्धन, गोवर्धन तहसील है भाई। यहाँ भगवान कृष्ण और जो राधा है इनकी जो जन्मभूमि कर्म भूमि है यहाँ पे। और गोवर्धन में शायद क्या है देखने लायक? देखने लायक प्रेम मंदिर है यहाँ पर। हाँ वो है, और गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं वहाँ पर भी मंदिर है। हाँ तो ये तकरीबन भगवानों की जन्मभूमि है, कर्म भूमि है भाई। आज हम वहाँ पे पहुँचे हैं मथुरा के अंदर। और ये फील्ड मार्शल 813 ऑल इन वन जो सुपर सीडर लिया था, तो ये कितने समय पहले लिया था भाई कुंतल साहब आपने? 2 महीने से हो गए शायद। दो महीने हो गए। 2 महीने में मतलब कैसा चला ये आपका? अच्छा चला है, बिल्कुल बहुत अच्छा चला। बहुत अच्छा। तो मैं भी भाई ये जो कुंतल साहब है इसका एक चैनल है, क्या नाम है उस चैनल का? प्रलव कुंतल। प्रलव कुंतल है। और इसको भी अपने भाई किसान भाइयों सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां वो इस चैनल पे ये देते हैं कुंतल साहब। छोटा बच्चा है और मैं इसको बड़ा सराहनीय कदम मानता हूँ। एक किसान का बच्चा है और खेतों में अपने किसानों को जानकारी देता रहता है ये समय समय पे। और अब हम कुंतल साहब प्रीतम जी से मिलवाएंगे। प्रीतम जी आओ एक बार इधर, अपने किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाई नमस्कार। तो प्रीतम जी आपने मतलब जो ये सुपर सीडर चलाया है मैंने देखा, बहुत अच्छा आपने चलाया। तो किसी प्रकार की कोई परेशानी या मतलब वो आपने दिखाई दिया वो हमें बताएं? नहीं जी, कोई मेंटेनेंस नहीं आया। वो मेंटेनेंस सुपर सीडर है। लगभग कितना आपने खेत में चलाया होगा आज तक? मैंने सर लगभग हमारे यहाँ का 350 बीघा चला दिया। 350 बीघा आपने चला दिया, लगभग मानो आपका 200-225 एकड़ हो गया। हाँ हाँ। तो आपका एरिया भी हमें देखा था खेत में घूमते हुए, देख रहे थे आप जिस टाइम खेत में चला रहे थे उस टाइम भी हम देख रहे थे। तो काफ़ी बरसात से जो धान का खेत था वो आज तक भी बिजाई नहीं हुआ है। आज जो तारीख है 8 दिसंबर है और 2022 है, लेकिन आज तक भी बुआरा नहीं आया। लगभग 15-20 दिन और इस गांव में जो बिजाई का काम है वो चलता रहेगा। बिजाई का जो खेत है वो आज तक भी खेतों में पानी भरा हुआ है। और वह चैन वाली जो कंबाइन है उससे मतलब ये गांव का खेत है मतलब वो निकलवाए हुआ है दाना आपने। हाँ जी, तो इस कारण से बिजाई लेट है। हाँ, लास्ट बरसात हो गई सर, उसकी वजह से लेट हो गई है। हाँ, तो आपका जो धान है वो फसल कैसी रही? धान की फसल ठीक थी। ठीक थी मतलब बरसात में थोड़ा नुकसान तो था। नुकसान था। तो इस कारण से मेरे किसान भाइयों मतलब हमने देखा था अपने जो इस एरिया में एक बार दिखाओ भाई, बहुत सारा नुकसान हमारे किसानों को हुआ था। और अब भी बिजाई का जो समय है और हम ये देख रहे थे शायद सुपर सीडर ना होता तो इन खेतों में बिजाई भी नहीं होती। हाँ, तो इस हालात में मतलब अपने जो खेत थे वो थे। ये तो सुपर सीडर की मेहरबानी आप लोगों की, जो आपने ऐसी मशीन बनाई किसान का मतलब काम सॉल्व हो गया। हाँ हाँ। तो ये देखा मेरे किसान भाइयों, हमने उधर खेत की भी हमें दिखाएंगे सीन आपको। तो वहाँ खेतों में मतलब ये हालात थी सुपर सीडर के बगैर मतलब वो जो खेत है बिजाई होने के लायक नहीं थे। और ये दिखाना भाई जो अब ये जो देखो किसान ने काफ़ी मशीन ये चलाई है और हम आज इस मशीन के पास में संभालने के देखने के लिए हमारे किसान से जो फील्ड की जानकारी है वो लेने के लिए पहुंचे थे। तो ये देख लो भाई मेरे किसान भाइयों कितने अच्छे तरीके से इस किसान भाई ने ये चलाया हुआ है और प्रॉपर तरीके से मैं ये कहूँगा मतलब काफ़ी सारे हमने फील्ड में चेक किया है अपने किसानों ने इन मशीनों के अंदर यहाँ तेल कहीं भी नहीं दे रखा था, लेकिन हमने ये मशीन इधर आके देखा मतलब प्रॉपर तरीके से हर रोज़ चलाने से पहले प्रीतम जी अपनी मशीन को ग्रीस और ये तेल है जो ऑयल है यहाँ खाद वाले पिस्तौल में और बीज वाले पिस्तौलों में दोनों में
बड़ी अच्छी साफ सफाई करके और ग्रीस और ऑयल देके तब ये खेत में चलाते हैं। तो इस वजह से आज ये मशीन की आप कंडीशन देख सकते हो, कितनी बढ़िया कंडीशन में ये मशीन चला रखी है। और इससे पहले जो ये गेयर मेरे किसान भाइयों दिखाई दे हुए है, ये ऑल इन वन जो मशीन है इसकी वो है, ये उतार के प्रीतम जी आपने कहाँ रखी, अंदर रख दी क्या? अंदर ये रखा सर। हाँ ये अंदर रख दी है और अंदर से भी दिखाओ भाई प्रॉपर तरीके से। हम ये दिखाना चाहते हैं हमने किसान भाइयों ने, इस तरीके से मशीन आपने चलानी चाहिए जिस तरीके से भाई प्रीतम जी ने इस मशीन को चलाया है और खेतों में मतलब बहुत सारा काफ़ी काम किया है इसके साथ में और आज तक कोई भी परेशानी नहीं आने दी। बहुत सारे किसानों को तो हमने देखा है प्रीतम भाई, जैसे ये पहिया है अपना, ये बटके मार दिया तो ये मोस लिया तोड़ दिया या मतलब इसकी लाइन आउट कर ली। और ठीक इसी प्रकार से इस साइड वाला जो ये तवा है इसको भी काफ़ी अपने किसान है डोले के बटके लगा के वो तोड़ देते हैं और ये सुहागा है। हाँ इसको हमारे जो रोहतक झज्जर का जो एरिया है ना इसको तो इस ये जैसे काफ़ी भाषाएं बोलते हैं, कोलड़ी बोल दिया, रुल्ला बोल दिया, तो ये रोहतक झज्जर के जो किसान हैं इसको कोलड़ी बोलते हैं भाई, ये कोलड़ी ये होगी। तो देखो मेरे किसान भाइयों कितने अच्छे तरीके से जिस कंडीशन में कंपनी से मशीन आई थी ठीक उसी कंडीशन में उसी हालात में आज तक ये मशीन है। तो आगे भी दिखावांगे अपने किसान भाइयों ने, आज तो हम ये मुथरा का आपके तहसील कौन सी है, गोवर्धन, गोवर्धन तहसील और जिला मुथरा है, जिला मथुरा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आज तो हम यहाँ पे पहुँचे थे भाई आगरा मथुरा का जो एरिया था। आगे मिलेंगे और किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए मेरे किसान भाइयों राम राम, धन्यवाद।